मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के बारे में चिंतित हैं, कहीं कहीं दुखी भी हैं। बच्चों के चाल चलन से बहुत सारे माता पिता बहुत ज्यादा दुखी हैं और पीड़ित हैं। कई ऐसी माताओं को मैंने देखा है कि जो बिलख रही हैं, रो रही हैं अपने बच्चों के कारण। यह एक सच्चाई है कि आज का माहौल, आज की परिस्थिति युवक युवतियों और हमारे किशोरों को बर्बाद करती है। गलत संगति बहुत सारे युवक युवतियों को और किशोरों को बर्बाद करती है, एक सच्चाई है। लेकिन एक और सच्चाई है, वो सच्चाई है कि ये सारे बच्चे हमारे ही उपज हैं, ये सारे बच्चे हमारे ही परिवारों से आते हैं। इसलिए जब हम अपने बच्चों के बारे में चिंतित और परेशान हैं, तो इसके साथ साथ ये एक आह्वान है कि हम अपने परिवारों के बारे में मनन करें, अपने पति पत्नी के रिश्ते के बारे में मनन करें, अपने माँ बाप यानी माता पिता होने की हमारी भूमिका के बारे में मनन चिंतन करें। कुछ दिन पहले आश्रम में दंपतियों की साधना चल रही थी और उस समय प्रभु ने मुझे एक प्रेरणा दी कि तुम इस विषय पर बोलो, जिम्मेदार माँ बाप। मैंने कहा कि परिस्थिति बहुत प्रतिकूल है, इसके बावजूद कैसे माँ बाप अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार हो सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि विवाह का उद्देश्य क्या है, यह जानना जरूरी है। विवाह के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है पति पत्नी का एक दूसरे के लिए सहारा बनना, एक दूसरे का पूरक बनना, एक दूसरे का सहयोगी बनना। ये पहला उद्देश्य है, क्योंकि मनुष्य अपने में कमजोर है, दुर्बल है, मनुष्य अपने में अपूर्ण है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 18 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम को बनाया, सृष्टि किया, उसके बाद ईश्वर ने कहा मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। आदम उदास था, इसीलिए ईश्वर ने पशु पक्षियों को बनाया, लेकिन वे आदम के लिए उपयुक्त साथी नहीं रहा। इसीलिए ईश्वर ने एक नारी की सृष्टि की आदम के लिए एक उपयुक्त साथी के रूप में। तो विवाह का पहला उद्देश्य है एक दूसरे के लिए सहयोगी बनना, एक दूसरे का सहारा बनना। मैं ऐसे कई दंपतियों को जानता हूं जिनकी संतान नहीं है, लेकिन तब भी वे एक दूसरे के पूरक और सहयोगी बनकर सुंदर सा जीवन जीते हैं। साथ ही साथ वे कई बच्चों को भी की भी परवरिश करते हैं, उनकी भी देखभाल करते हैं, उनकी मदद करते हैं। हम पढ़ेंगे सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 में कि सामुएल की मां का नाम था हन्ना, सामुएल के पिता का नाम था एलकाना। एलकाना की 2 पत्नियां थी, एक थी पेनिना और दूसरी थी हन्ना। पेनिना की कई संतान थी, लेकिन हन्ना की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह हमेशा दुखी रहती थी, उदास रहती थी। हम पढ़ेंगे सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 8 में, सामुएल के पिता उनकी मां हन्ना से कहते हैं, क्या तुम क्यों उदास हो, क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों के बराबर नहीं हूं? तो ऐसे बहुत सारे परिवार इस दुनिया में हैं जहां पर दंपतियों की संतान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वे एक दूसरे के पूरक और सहयोगी बनकर बड़े आराम से खुशी के साथ जीवन जीते हैं और बहुत सारे बच्चों के सहारे बनते हैं। तो पहला उद्देश्य है कि एक दूसरे का पूरक बनना, सहयोगी बनना। दूसरा उद्देश्य है संतानोत्पत्ति। ईश्वर ने हमें प्रजनन की शक्ति प्रदान की है, संतान उत्पन्न करना, लेकिन संतान ईश्वर का वरदान है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 127 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है,
पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। बच्चे ईश्वर के द्वारा दिए गए तोहफे हैं। सृष्टिकर्ता ईश्वर है, हालांकि हमें प्रजनन की शक्ति प्रदान की है, सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की है, लेकिन संतान ईश्वर का वरदान है। यही कारण है बच्चों की हत्या करना, भ्रूण हत्या करना अपराध है, पाप है। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो एक संतान के लिए तरसते हैं, कितने दंपति हैं जिनकी संतान नहीं है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करें। मैं इस आश्रम में सैकड़ों ऐसे दंपतियों को जानता हूं जिनकी संतान नहीं थी, लेकिन प्रार्थना के द्वारा प्रभु से एक संतान मिली। बड़ी रोचक बात है, ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी, 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली, इसहाक। और रोचक बात यह भी है कि इसहाक की भी कोई संतान नहीं थी, इसहाक की भी कोई संतान नहीं थी, तो किसने प्रार्थना की? इसहाक ने प्रार्थना की अपनी पत्नी के लिए, एक संतान के लिए। पति ने प्रार्थना की। हमारे देश में तो बहुत सारे पति अपनी पत्नियों को त्याग देते हैं कहकर कि ये बच्चा उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की। वचन में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के 25:27 में कि इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की। लूकस के समाचार के 1 में हम पढ़ते हैं कि जकरिया बुढ़ापे में, जकरिया की पत्नी का नाम था एलिजबेथ, एलिजबेथ की संतान नहीं थी, और जकरिया ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की। स्वर्गदूत प्रकट होता है और कहता है कि आपकी प्रार्थना सुनी गई। क्यों पतियों को संतान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? कारण यह है क्योंकि पत्नियां बहुत दुखी हैं, लोग उन्हें बांझे कहते हैं। अभी 2 दिन पहले एक दंपति मेरे पास आए, 42 साल की नारी है, वो बोल रही है रोती हुई, स्वामी जी लोग मुझे बांझ कहते हैं, बहुत बुरा लगता है। तो पत्नियां प्रार्थना करने के माहौल में या परिस्थिति में नहीं है। ऐसे में पतियों की जिम्मेदारी होती है कि वे प्रार्थना करें एक संतान के लिए। तो विवाह का दूसरा उद्देश्य है संतानोत्पत्ति, लेकिन कैसी संतान, कैसी संतान? मलाकी के ग्रंथ के 2:15 में हम पढ़ेंगे। मलाकी का ग्रंथ 2:15 में प्रभु कहते हैं, क्या उसने उन्हें एक नहीं बनाया, यानी दंपति को, एक तन एक प्राण, और उस एक प्राणी से वह क्या चाहता है? धर्मी संतति। एक विश्वासी या एक मसीही दंपति के संतान कैसी होनी चाहिए? धर्मी संतति। सिर्फ संतान होना नहीं बल्कि धर्मी संतति, धर्मी संतति। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के 16 में उसके 1-4 तक। अधर्मी पुत्रों के कारण आनंद मत मनाओ, अधर्मी पुत्रों के कारण आनंद मत बनाओ, यदि वे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते तो उनकी बढ़ती संख्या पर प्रसन्न मत हो। एक बार और पढ़ता हूं, अधर्मी पुत्रों के कारण आनंद मत मनाओ, यदि वे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते तो उनकी बढ़ती संख्या पर प्रसन्न मत हो, उनकी लंबी आयु का भरोसा मत रखो और उनकी संख्या पर निर्भर मत रहो। 1,000 अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा 1 भक्त पुत्र अच्छा है, 1,000 अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा 1 भक्त पुत्र अच्छा है, अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा निसंतान मरना अच्छा है। कितना शक्तिशाली वचन है, प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा निसंतान मरना अच्छा है। तो कैसी संतान होनी चाहिए? धर्मी संतति। यही हर विश्वासी या मसीही दंपति का फल होना चाहिए, धर्मी संतति।
विवाह में जो कृपा पति पत्नी को मिली है उस कृपा को अपने बच्चों को बांटना या देना पति पत्नी की जिम्मेदारी है। उनको धर्मी बनाना पति पत्नी की जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूं कि हर दंपति को जिम्मेदार दंपति बनने हैं, जिम्मेदार मां बाप। जब एक बच्चा मिल चुका है तो पति पत्नी की भूमिका बदल जाती है। अभी आप पति पत्नी नहीं रहे बल्कि अभी आप मां बाप बने। आप पति पत्नी नहीं है, मां बाप हैं। मां बाप बनने के बाद झगड़ा तलाक इत्यादि के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। उन सारी बातों का असर सीधे बच्चों पर पड़ता है। शायद मैंने कई बार आपसे कहा है विवाह एक संस्कार है और उस संस्कार को जीना आसान नहीं है, कठिन है। दाम्पत्य जीवन जीना, पारिवारिक जीवन जीना, पति पत्नी का जीवन जीना, मां बाप का जीवन जीना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। पति पत्नी की भूमिका बदल जाती है बच्चे आने के बाद, मां बाप बन जाते हैं। और मैं आजकल एक और बात कहता हूं कि मां बाप की भूमिका आज और ज्यादा बदल गई है। लोग सोचते थे बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, बड़ा करेंगे, शादी करा देंगे, उसके बाद जिम्मेदारी समाप्त हो गई, चलो। बिल्कुल नहीं। आप नहीं जानते किस दिन वो वापस लौट आएगी। मरने तक मां बाप की जिम्मेदारी निभाना है। प्रभु येसु की मां मरियम को देखिए। प्रभु येसु की मां मरियम येसु के क्रूस के नीचे खड़ी थी, उनकी मृत्यु तक उसको साथ दी। हम अय्यूब के ग्रंथ की अध्याय एक उसके वाक्य 5 में पढ़ेंगे कि अय्यूब अपने बच्चों के लिए बलि चाहाया करते थे। अय्यूब अपने बच्चों के लिए ईश्वर को बलि चाहाया करते थे ताकि बच्चों ने कोई पाप किया है उस पाप के से उनको छुटकारा मिले। मां बाप की भूमिका आज बदल गई है, बहुत गंभीर हो गई है। बच्चों को शादी कराने के बाद आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है, अंत तक उनको साथ देने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, जिम्मेदार मां बाप को सबसे पहले अपने परिवार को नियोजित करना है, प्लानिंग करना है। अभी कुछ महीनों पहले मेरे कमरे के सामने 23 साल की एक लड़की को, गर्भवती लड़की को उसकी मां लेके आई थी। बहुत कमजोर लड़की है, गरीब है, 9 महीने की थी, यानी उसका गर्भ 9 महीना था। अब वो लड़की सांस तक नहीं ले पा रही है ढंग से। मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारे और भी बच्चे हैं? उसने कहा 3 बच्चे हैं। कितने साल के अंतराल में, कितने साल का फर्क है? कहा कि 1-1 साल के अंतराल में। मैंने कहा बेटा कम से कम तुम तो समझदार हो, तुम्हारा पति समझदार नहीं है। आखिर उस लड़की को बच्चा जन्म देने के लिए उसके शरीर में ऊर्जा होनी चाहिए। इतना ही नहीं, मैं दंपतियों से कहा करता हूं, मां बाप से कहा करता हूं, दो बच्चों के बीच में कम से कम 2-3 साल तक का अंतराल होना जरूरी है। क्योंकि हर बच्चे को अपने मां के दूध और उसकी संगति का हक है। कम से कम 2-3 साल का अंतराल आवश्यक है। पुराने जमाने में हमारे मां बाप अच्छे थे, ये सब सोचा करते थे। हर बच्चे को अपने मां के स्तन के दूध की आवश्यकता होती है, मां की गर्मी की आवश्यकता होती है, उसके साथ सोने की आवश्यकता होती है। हर साल 1-1 बच्चा हो तो बच्चों को जिस मात्रा में प्यार दुलार और प्रभु मां माता की गर्मी और स्तन का दूध चाहिए उतना नहीं मिलता है, उसके व्यक्तित्व पर इसका असर पड़ेगा। तो इसीलिए जिम्मेदार मां बाप, अच्छे दंपति निर्णय लेते हैं कि हमारे कितने बच्चे कब होना चाहिए, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं।
लेकिन आजकल मुझे देखने को मिलता है कि कहीं कहीं एक ही बच्चा है। कई परिवार आश्रम में आते हैं तो दंपति एक बच्चे को लेकर आते हैं, मैं पूछता हूं कि कितने साल की हो गई है, ये 8 साल की हो गई है। दूसरा बच्चा कहते हैं कि नहीं चाहिए स्वामी जी, एक हमारे लिए काफी है। मैंने कहा कि आप लोगों की एक बच्चा काफी है, लेकिन इस बच्चे को एक और बच्चे की आवश्यकता है, एक और भाई या बहन की आवश्यकता है। इसके व्यक्तित्व के विकास के लिए एक और भाई या बहन की आवश्यकता है। मैं कहूंगा कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए, कम से कम 2 बच्चे, ज्यादा से ज्यादा जितने आपकी शक्ति है, क्षमता है, शारीरिक शक्ति और आर्थिक शक्ति उसके अनुसार, लेकिन कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए, ये अनिवार्य है। अब बच्चों की परवरिश के बारे में हम मनन करेंगे। बच्चों की परवरिश कैसे हो, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 7, प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 7 वाक्य 25 और 26, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 25 और 26, यदि तुम्हारे पुत्र हो तो उन्हें शिक्षा दिलाओ और बचपन से ही उन्हें अनुशासन में रखो, यदि तुम्हारी पुत्रियां हो तो उनकी रक्षा करो और उनके साथ ढिलाई मत करो, यदि तुम्हारे पुत्र हो तो उन्हें शिक्षा दिलाओ और बचपन से ही उन्हें अनुशासन में रखो। मैंने देखा कई माताएं बच्चों को लेकर गिरजाघर जाते हैं, आश्रम आते हैं, और मिसा बलिदान के दौरान या सर्विस के दौरान बच्चों को बाहर खेलने देते हैं और माताएं अंदर बैठी रहती हैं। मैं पूछता हूं ऐसा क्यों, बच्चे प्रार्थना करने नहीं देते हैं, क्यों नहीं करने देंगे? अगर 3 साल की उम्र में आप उस बच्चे को वश में नहीं रख पाएंगे तो क्या 13 साल की उम्र में रख पाएंगे? इतना ही नहीं, उसको अनुशासित करना जरूरी है, उसको बैठाना है किसी भी कीमत पर। बोलते हैं कि वो रोता है, रोने दो लेकिन बैठाना है। अगर उसके रोने के कारण उसकी बात को आज आप मान लेंगे, कल वो फिर रोएगा अपनी बात को मनवाने के लिए। मैं माताओं को एक सरल बात बताता हूं, अगर बच्चा प्रार्थना के दौरान रोता है, चिल्लाता है, बदमाशी करता है तो क्या करना होगा? बाहर जाएंगे आप, दुकान जाएंगे, अच्छी खासी कोई चीज खरीदेंगे, मिठाई खरीदेंगे, सारे बच्चों को देंगे, उसको नहीं देंगे, बोलेंगे तुम क्यों चिल्ला रहे थे, तुम क्यों रो रहे थे। उस समय से बच्चा शांत होना सीखेगा। आप जब बच्चा छोटा है आप उसके अधीन नहीं होंगे। वचन में लिखा हुआ है कि माताओं को बच्चों पर अधिकार दिया गया है, वचन में लिखा हुआ है बचपन से ही अनुशासन में रखो। पहली बात यह है कि अगर इस समय आप अनुशासन में नहीं रखेंगे तो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, आपके हाथ से बाहर हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये रोपाई का समय है, बुआई का समय है। आप जो संस्कार देना चाहते हैं, आप जो भक्ति देना चाहते हैं, इस उम्र में देना है। रोपाई का समय बीत जाएगा, बाद में आप रोपेंगे कोई फायदा नहीं होगा, कोई अच्छी फसल नहीं होगी। कभी लोग सोचते हैं बड़ा होने पर सीख लेगा, बिल्कुल नहीं। बचपन बाल्यावस्था वो समय है जब आपको उस बच्चे को संस्कार देना है, भक्ति देना है, ज्ञान देना है। बहुत साल पहले की बात है, 94-95 में जब पहली बार हम लोग आश्रम से एक टीम बनकर कार्यक्रम चलाने के लिए एक जगह गए हुए थे, हमारी टीम के एक सदस्य ने एक बहुत सुंदर प्रार्थना की, लोगों के सामने ही प्रार्थना की, माइक में, लाउड स्पीकर में। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं यहां पर बैठी हुई सभी माताओं के लिए प्रार्थना करती हूं कि वे अपने बच्चों को अपने स्तन के दूध के साथ साथ ईश्वर का ज्ञान और भक्ति भी दें। बच्चों को सिर्फ दूध पिलाना, खिलाना, कपड़ा पहनाना, एजुकेशन देना काफी नहीं है मेरे भाई और बहनों, लोग मार खा चुके हैं। बच्चों को बचपन से ही अनुशासन और भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान देना है।
ये मत सोचिए बाद में होगा, बुआई का समय बीत जाएगा तो आप पछताएंगे। बचपन से ही बच्चों को देना होगा, शिक्षा देनी होगी। हम कैसे बच्चों को शिक्षा दें? एफेसियों के पत्र की अध्याय 6 में संत पौलुस हमें बताते हैं, उसके वाक्य 4 में, एफेसियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं पिताओं से, बहुत सुंदर है। पौलुस कहते हैं, पिता अपने बच्चों को खिंचाए नहीं करें, पिता अपने बच्चों को खिंचाए नहीं करें, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करें। पौलुस कहते हैं कि पिता बच्चों को इस तरह परेशान नहीं करना, बल्कि प्रभु के अनुरूप उपदेश और शिक्षा देना। प्रभु ने हमें कैसे शिक्षा दी, कैसे उपदेश दिया? अपने उदाहरण के द्वारा। प्रभु ने कहा कि शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, और प्रभु ने स्वयं शत्रुओं के लिए प्रार्थना करके दिखाया। प्रभु ने कहा कि एक दूसरे के पैर को धो, और प्रभु यीशु ने स्वयं एक दूसरे के उनके पैरों को धोया। मां बाप जो बोलते हैं उन सारी बातों को बच्चे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मां बाप जो करते हैं उसको स्वीकार करेंगे। मैं अक्सर एक छोटा सा एक्सरसाइज कराता हूं लोगों को, शायद हो सकता है कि अभी भी हम लोग करेंगे, क्या नुकसान है। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना दायना हाथ खाली रखें, और जैसे मैं कहूंगा वैसे करना, ठीक है? जैसे मैं कहूंगा वैसे करना। अपने हाथ को इस तरह ऊपर उठाइए, उंगलियों को मोड़िए, एक उंगली को ऐसा सीधा कीजिए। ये ट्रायल था, मत भूलिएगा। जैसे मैं कहूंगा वैसे करना। अपने दाहिने हाथ को इस तरह ऊपर कीजिए, उंगलियों को मोड़िए, एक उंगली को इस तरह खड़ा कीजिए। अब धीरे से उसको लाकर अपने गाल पर रख दीजिए, अपने गाल पर रख दीजिए। क्या आप लोग कर रहे हैं क्या? अपने गाल पर रख दीजिए। ख्याल कीजिए आपने कहाँ रखा है। मुझे पक्का मालूम है कि आप में से अधिकतर लोग यहां रखे होंगे, जबकि मैंने कहा था गाल पर रखिए। जब एक्सरसाइज कराता हूं तो मैंने देखा कि अधिकतर लोग यहां पर रखते हैं, हालांकि मैं 2-3 बार बोलता हूं कि जैसे मैं कहूंगा वैसे करना, और मैं पूछता हूं कि आपने उंगली यहां क्यों रखी, तो कहते हैं आपको देखकर रखी। 2-3 बार मेरे कहने पर कि जैसे मैं कहूंगा वैसे करना, लोग इस तरह करते हैं, इसका मतलब क्या है? लोग वही करते हैं जो वे आपको करते हुए दिखते हैं, ना कि वो कहते हुए सुनते हैं। बच्चों को बहुत सारी शिक्षा दे दें, उपदेश दे दें, होता नहीं है। अपने कर्म के द्वारा उपदेश देना है। यीशु ने अपने उदाहरण के द्वारा उपदेश दिया। अब एक बार पर मन करेंगे, हमें बच्चों को प्यार देना है। कई लोग सोचते हैं बच्चों को हम लोग पैसा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, नहीं, उससे बढ़कर उन बच्चों को प्यार की आवश्यकता है। विशेष करके बाल्यावस्था में जिस मात्रा में और जिस तरह का प्यार बच्चों को मिला, उस तरह का व्यक्तित्व उसका होगा। अगर मां बाप से दुलार और प्यार मिला है तो उस बच्चे का व्यक्तित्व उस तरह बढ़ेगा। पैसे से नहीं, सिर्फ भोजन से या कपड़े से नहीं, प्यार से। तो हम अपने बच्चों को कैसा प्यार दें? जन्म से लेकर 3 साल तक के या 4 साल तक के, 3 साल लीजिए, जन्म से लेकर 3 साल तक की उम्र में आपको उस बच्चे को एक राजकुमार या राजकुमारी की तरह उसके साथ बर्ताव करना चाहिए। कभी भी उसको मारना नहीं चाहिए, दंडित नहीं करना चाहिए, इशारे से उसको समझाइए, मारना पीटना नहीं, प्रेम से समझाइए। बहुत ज्यादा परेशान करता है, थोड़ा सा हल्का पुल्का मार सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि उस उम्र में वो झेलने लायक नहीं है। जन्म से लेकर 3 साल की उम्र तक एक बच्चे को राजकुमार या राजकुमारी की तरह मानिए, लेकिन 4 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक, कहना तो गलत हो जाएगा, नौकर की तरह मानिए, यानी अनुशासन में रखिए।
चार साल की उम्र से लेकर 14 साल तक की उम्र तक आपको उसको अनुशासन में रखना है, आवश्यकता पड़े तो छड़ी का भी इस्तेमाल करना है, आवश्यकता पड़े तो छड़ी का भी इस्तेमाल करना है, अनुशासन में रखना जरूरी है। और 14 या 15 साल से लेकर आगे बच्चे को अपने मित्र जैसे मानिए, उसको मित्र बनाइए, उसको दोस्त बनाइए, उसके साथ आत्मगत बातें कीजिए, उसको अच्छा लगेगा, पापा मेरे साथ कैसे बर्ताव करते हैं, मम्मी मेरे साथ कैसे बर्ताव करती है, उसे एक मित्र मानिए। हमें बच्चों की परवरिश के बारे में प्रवक्ता ग्रंथ की अध्याय 30 में बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 में, पूरे अध्याय में बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। वचन में क्या लिखा हुआ है, जो अपने पुत्र को प्यार करता वह उसे कोड़े लगाता है, जो अपने पुत्र को प्यार करता वह उसे कोड़े लगाता है, जिससे बाद में उसे पुत्र उस पुत्र से सुख मिले। और एक बार पढ़ता हूं, जो अपने पुत्र को प्यार करता वह उसे कोड़े लगाता है, जिससे बाद में उसे पुत्र से सुख मिले। मैंने अभी कहा अनुशासन में रखना जरूरी है। जो अपने पुत्र को अनुशासन में रखता उसे संतोष मिलेगा, जो अपने पुत्र को अनुशासन में रखता उसे संतोष मिलेगा। आगे वचन में आप पढ़ेंगे, वचन 7 में लिखा हुआ है, जो अपने पुत्र को सिर पर चढ़ाता उसे अपने घाव पर पट्टी बांधनी होगी, जो अपने पुत्र को सिर पर चढ़ाता उसे अपने घाव पर पट्टी बांधनी होगी, और उसका हृदय हर चिल्लाहट पर कांप उठेगा। कहीं भी कोई आवाज होती है, चिल्लाहट होती है, सोचता है मेरा बेटा तो नहीं है, क्यों, बेटा मेरे वश में नहीं है। और एक बार सुनिए वचन को, जो अपने पुत्र को सिर पर चढ़ाता है उसे अपने घाव पर पट्टी बांधनी होगी, और उसका हृदय हर चिल्लाहट पर कांप उठेगा। बाकी 8, जो घोड़ा पालतू नहीं बनाया गया वह वश में नहीं रहता, यदि पुत्र भी स्वच्छंद छोड़ा गया तो उद्दंड बन जाता है। जो घोड़ा पालतू नहीं बनाया गया वह वश में नहीं रहता, यदि पुत्र भी स्वच्छंद छोड़ा गया तो उद्दंड बन जाता है। मैंने देखा कई परिवारों में बेटों के प्रति बहुत ज्यादा प्यार है, विशेष करके माताएं इतनी ज्यादा दुलार देती हैं कि कुछ भी मांगता देने को तैयार होता है। अभी कुछ दिन पहले एक जवान दंपति आए, कई साल की प्रार्थना के बाद उनको एक संतान मिली, एक बेटा मिला, 4-5 साल का बच्चा है। उसकी मां बोल रही थी, उसकी मां मेरी बेटी जैसी है, वो बोल रही थी कि हाइपर एक्टिव है, लेकिन बच्चे को देखने के बाद, उसके व्यवहारों को देखने के बाद मुझे पता चला कि हाइपर एक्टिव नहीं है, इसके मम्मी पापा ने इसको हाइपर एक्टिव बना दिया है, यानी बच्चा कुछ भी बोलेगा उसका पालन करने को तैयार है, बच्चा बोलेगा जाएंगे तो जाने को तैयार है। तो इस तरह बच्चे को हाइपर एक्टिव बनाया गया है। मैंने कहा तुम लोगों ने बनाया है, ये हाइपर एक्टिव नहीं है, इसके व्यवहार से मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता है। कई बच्चे जन्म से हाइपर एक्टिव होते हैं, लेकिन यह बनाए गए हैं। वचन में लिखा हुआ है, जो घोड़ा पालतू नहीं बनाया गया वो वश में नहीं रहता, यदि पुत्र भी स्वच्छंद छोड़ा गया तो उद्दंड बन जाता है, बाद में रोना पड़ेगा, बाद में रोना पड़ेगा। वाक्य 10 में लिखा हुआ, उसके साथ हंसी मजाक मत करो, नहीं तो तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा और तुम अंत में उस पर दांत पीसते रह जाओगे। जिम्मेदार मां बाप बच्चों को प्यार देते हैं और उम्र के अनुसार प्यार देते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हर उम्र में मनुष्य को अलग अलग प्रकार के प्यार की आवश्यकता है, मात्रा में प्यार की आवश्यकता वो दीजिए, लेकिन बच्चों को अनुशासन में भी रखिए। इस तरह मत पीटिए कि बच्चों को लगता है कि मेरे पिता मुझसे घृणा करता है। इस तरह मत अनुशासित कीजिए कि बच्चों को लगता है कि मेरी माँ मुझसे घृणा करती है। बच्चों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि मेरा पिता मेरी भलाई चाहता है,
मेरी माँ मेरी भलाई चाहती है, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जानता हूं कि आज का प्रवचन उनके लिए है जो माता पिता है। हमें जिम्मेदार बनना है। हमारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, आसमान से नहीं टपके हैं। हम उनके लिए जिम्मेदार हैं, ना केवल उनके शारीरिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए भी जिम्मेदार हैं। आज हम विशेष रूप से परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे, दंपतियों के लिए प्रार्थना करेंगे कि वे अपनी भूमिका को समझ पाए। कई परिवारों को मैं देखता हूं कि कितना टूटा फूटा है। पति पत्नी इस बात को भूल जाते हैं कि हम मां बाप हैं। कई बच्चे हमारे आश्रित हैं, हम पर आश्रित हैं, इस बात को भूल जाते हैं। वे आज भी अपने आप को पति पत्नी समझते हैं, माँ बाप कम समझते हैं। हम प्रार्थना करें आज विशेष करके उन परिवारों के लिए जो परिवार टूटे हैं। आंखें बंद कीजिए। प्रभु तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देता हूं। इस समय सभी परिवारों को तेरे सामने लाता हूं, विशेष करके उन परिवारों को जो टूटे फूटे हैं, उन परिवारों को जहां पर पति पत्नी अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, उन बच्चों का दर्द देखना यीशु। वे कभी कभी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, वे कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये सोचकर कि हमारा क्या होगा, ये दोनों लड़ रहे हैं, मेरा क्या होगा, हमारा क्या होगा। कई बच्चे अनाथालयों में पल रहे हैं प्रभु, केवल इसीलिए कि दंपति आपस में लड़ रहे हैं, मेरा तेरा, मैं तुम। कितने बड़े दुख की बात है यीशु, तेरे वचन में तूने कहा जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। लेकिन कितने ही परिवार अलग थलग जी रहे हैं। प्रभु यीशु, उन सारे परिवारों को समय हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, उन दुखी बच्चों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, उन भाई बहनों को जो हालांकि दूर दूर रह रहे हैं लेकिन वे जल रहे हैं, उनके दिल में बहुत पीड़ा हो रही है, प्रभु उन सारे परिवारों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु मैं इस समय विशेष रूप से सभी दंपतियों के लिए, सभी माता पिताओं के लिए प्रार्थना करता हूं कि वे इस रिश्ते को एक पवित्र रिश्ता समझें, एक संस्कार समझें, और उस संस्कार की गरिमा को बनाए रखने के लिए कृपा दीजिए, और उस संस्कार में प्रभु अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो भी साहस, जो भी बल उनको चाहिए वो दीजिए यीशु, त्याग तपस्या करने के लिए कृपा दीजिए यीशु। वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन आसान नहीं, कठिन है, उसमें बलिदान की आवश्यकता है यीशु। तेरे पवित्र वचन में लिखा हुआ है, संत पौलुस कहते हैं, पति पत्नी का रिश्ता कलीसिया और यीशु के रिश्ते की तरह है, एक पवित्र रिश्ता, जहां पर यीशु ने कलीसिया के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया, बलिदान का रिश्ता, त्याग का रिश्ता। प्रभु ये ज्ञान दीजिए, प्रज्ञा दीजिए, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना।